यहाँ जो वो सफेद बस खड़ी थी, पता है, और वो ये सारे लोग खाना खा रहे थे, वो सब कहाँ चले गए? वो सब तो गए। आज हम धूमधाम से शानदार गरबा मनाएंगे। एक मिनट। हाँ वेलकम भाई, वेलकम। अरे जहन्नुम में गया तुम्हारा वेलकम। सोड़ी अय्यर, जेठालाल तुम लोग मुझे भूल कैसे सकते हो? हालत देखो मेरी कैसी है। तुम लोगों के लिए बहुत आसान है ये बोलना कि जल्दी जल्दी में हम लोग निकल गए, लेकिन किसी ने ये पता नहीं किया कि पोपटलाल कैसा है, कहाँ है, किस हालत में। Calm down, पोपटलाल। अब गुस्सा छोड़ दो। जल्दी से जाकर कपड़े बदल कर और हम सब के साथ गरबा खेलना आ जाओ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच, आपकी जय हो। मैं आज तक ये सोच रहा था कि आप मेरे लिए शादी का योग निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब जाके मुझे सस्पेंस का पता चला कि आप इतना लेट करके मुझे वेट क्यों करवा रहे थे। आप मेरे लिए कोई इंडियन नहीं, फॉरेन की लड़की का बंदोबस्त कर रहे थे। आपके घर में देर है अंधेर नहीं, मुझे समझ में आ चुका है। देर से ही सही, लेकिन आपको पता चल गया कि मुझ जैसे पत्रकार के लिए कोई विदेशी लड़की ही योग्य है। अब आपके लाए हुए रिश्ते को मैं कैसे ठुकरा सकता हूं? मुझे आपका रिश्ता मंजूर है प्रभु, मंजूर है। बस अब कुछ भी करके आप मेरा कैरी के साथ छाता लड़ा दो, मेरा मतलब है टाका भिड़ा दो, और इस शुभ कार्य को पूरा करने में मेरी पूरी मदद करो प्रभु, मेरी मनोकामना पूरी करो। मेरे और कैरी के प्यार के रास्ते में आने वाले हर कांटे को छाते से दूर करो प्रभु, दूर करो। आपकी जय हो प्रभु, जय हो। अरे नवरात्रि के 9 दिन खत्म हो गए हैं, अब नींद में गरबा खेलना बंद कीजिए। क्या मैं नींद में गरबा खेल रहा था? हाँ। लगता है आपको मेरी बीमारी लग गई। चलिए अब तैयार हो जाइए, दुकान पर नहीं जाना है। नहीं नहीं क्या क्या नहीं हा? नहीं नहीं क्या क्या नहीं क्या, चलिए अब उठ जाइए। चलो भाई उठिए। अरे सुनिए, आपको क्या लगता है? क्या बोले तो ऐसे बन रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। अरे किसकी क्या बात कर रही है? पोपट भाई और चकली बहन, मतलब कैरी बहन। क्या मुझे ऐसा लगता है कि पोपट भाई कैरी बहन को चाहने लगे हैं। क्या मुझे ऐसा लगता है कि पोपट भाई की, अरे वो समझ गया, ये लोकल छाते की ये हिम्मत, वो कैरी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? क्यों सोच क्यों नहीं सकते, उसमें बुरा क्या है? वो नाबालिग थोड़े ना है, अब बड़े हो गए हैं। अरे वो बड़े नहीं हो गए, बूढ़े हो गए हैं। ढलती उम्र में बावला हो गया पोपट। कहाँ लंदन की कैरी और कहाँ यह फटीचर पोपट। कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे।
किसको मुंह दिखाना है? रे किसी को भी। देख दया, मैं तुझे बोल देता हूँ, ये पोपट केरी के आसपास दिखाई दिया ना तो उसे करके उड़ा देना पोपट को। क्या ठीक है? फुर फुर ऐसे उड़ा दूंगी। हाँ कैसे कैसे भ्रम में जीते हैं लोग। ये भ्रम थोड़े ना है, वो सच में चाहते हैं, तो फिर भ्रम कहाँ से हुआ? भ्रम तो इनको हुआ है। जागो जरा, उठो, जय चिनंद्रा। पता नहीं चलता। पत्रकार पोपटलाल, अब जर्नलिस्ट पोपटलाल, कम कम फॉलो, केयरफुल केयरफुल, कम 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 मैडम, सी सी विंग, हेलो हेलो, सी सी विंग, सी सी विंग, आया मिलना, अतिथि देवो भव, गेस्ट इज अवर गॉड, बट टुडे गेस्ट इज अवर गॉडेस कैरी। अब बिल्कुल लड़की हो। क्या मतलब बिल्कुल लड़की की तरह शर्माते हो। राय नमः, ओम रवये नमः, सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः। अरे लटक कैसे गया तू पागल, क्या कर कर रहा था तू? अरे भिड़े कुछ करो, कोई पकड़ो इनको। अरे संभाल है भाई, सारी हड्डियां टूट जाएंगी, नीचे गिरेगा तो। अरे पैर छोड़ो यार भाई, यू बाहर कैसे लटक गए? अरे आराम से आराम से। अरे भाई कुछ करो। हाँ ऊपर जा। अरे भिड़े थोड़ा थोड़ा ऊपर और। अरे भिड़े, अरे देख भाई वो पोपट लाल, सेक्रेटरी हूँ, स्पाइडरमैन नहीं हूँ जो उड़कर बचा लूँ उसे। अरे भाई तो तू सेक्रेटरी है तो क्या इधर मीटिंग बुलाएगा? अरे कुछ कर, एक काम करे पोपट, जेठालाल तो नीचे गिर, वो कैच कर लेगा। हाँ। अरे पकड़ के लू जेठालाल, क्या बॉल है क्या वो? क्या खड़े है? इससे कैच होएगा कुछ? क्यों, वो जीपीएल का टाइम पे तो बहुत दूसरे मार रहा था कि मेरा जैसा क्रिकेट और कोई खेल ही नहीं सकता, तो अभी दिखा दे रहा है सब कलाकारी गिरी। पकड़ उसका कैच। और तुम्हारी टीम का गाना क्या था? हम तो आखिर हम हैं, हमसे ना टकराना। ए भिड़ा, अरे देख के ना पकड़ उसको। ए रुक रुक रुक, संभाल ले। बोलिए कंपन भाई। अरे फिर भी संभाल ले। अरे ए ए आरास ए भाई। अरे पकड़ भिड़ा।
अरे जेठालाल नहीं पकड़ सकता क्योंकि मेरे हाथ में स्त्री के कपड़े हैं। अरे तो साड़ी साइड पर रख दे भाई। अरे भगवान, अरे भिड़े कुछ करो। आई नस्ते पराक्रम या मानी के। What are you doing? आओ जरा कहीं तेरी करा तेरा वाचवा जरा। ते काय काम से ना यार माधवी भाभी ये काय सिखवा तेरा कहीं तेरे। इधर मेरा जरा बायो। अयर पकड़ 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 उसको पकड़ को पकड़। नहीं नहीं सॉरी अयर भाई का कुछ मत बोल उनसे कुछ होता नहीं है भाई लाइफ में छोड़ो। ऊपर जा ऊपर। ढूंढो ऐसा हाथ हाथ कैसा हो सपोर्ट ले। ए, एक काम कर वो बाएं हाथ से वो लोखंडी गज को पकड़ ऐसे और वो जो तुम्हारा दायां पाव है ना जो लटक रहा है हाँ उसको भी ऐसे ऐसे करके ऊपर डाल। हाँ ये ऐसे ऊपर डाल। बिल्कुल सही का पीड़े रोशन एफर्ट। देख देख पॉपर तू ऐसे लटके हुए है ना। हाँ हाँ उसका बाजू में तू नीचे गिर जाएगा। इसको आराम से ऐसे ऐसे ऊपर खींच ले और जा 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 जा। आइए वेरी गुड वेरी गुड। पापा लाल यार तुमने क्या किया इधर कैसे लटक रहे तुम यहाँ पर। चुप करो यार। एक मिनट तुम नहीं जाओ मेरे पास में आओ। इधर इधर आ मेरा पास डाल दो। अरे गिर पड़ोगे तुम। अब पॉपर दरवाजा खोल मैं ऊपर आके तेरे को खींच लेता हूँ। अरे छोड़ो देखा गिर पड़ोगे तुम। लग जाएगा। अरे सब पकड़ संभाल के संभाल। अरे पकड़ उधर। परमेश्वरा गुड मॉर्निंग कैरी। गुड मॉर्निंग। तुम ठीक तो हो ना? हाँ 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 मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिल्कुल। मैं पहले से ही जानता था सब इसका नाटक है। नाटकी? चलो चलो भाई अपने अपने काम पर लग जाओ चलो। चलनी चलिए वे। क्या रे नाश्ता तैयार आ जाओ मैं राह देख रहा हूँ आ जाओ। ओके आइए। चल भाई चल। हाँ हाँ मैं आती हूँ। अच्छा कैरी जेठालाल के घर जा रही है ये बहुत अच्छा मौका है वहीं जाकर कैरी से बात करता हूँ। आज यह भोली कैरी को और नपावट पोपटलाल के बारे में चौकन्ना कर ही देता हूँ। देखो कैरी एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता हूँ। ये लीजिए ना एक और गर्मा गर्म थपला। नहीं नहीं जाए भाभी मेरा पेट भर गया। तो मैं ये कह रहा था कैरी बहन गर्मा गर्म थपला है लीजिए मजा आएगा। नहीं दे भाभी प्लीज प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि इंडिया के जो कुंवर पुरुष होते हैं टप्पू के पापा आप भी क्या बात में मगन हो गए। आप जरा कैरी बहन को आग्रह कीजिए ना। अरे भाई इनको आग्रह करने की जरूरत नहीं होती है दया ये फॉरेन में उनका सब खाने पीने का फिक्स होता है हमारे जैसा नहीं होता है जो आया वो गया सीधा पेट में समझे। तो मैं ये कह रहा था कि कुंवारे पुरुष और खास करके जो बड़ी उम्र के कुंवारे पुरुष होते हैं ना। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आ गया वहाँ का नर का वांडा। ओहो पोपट भाई आओ आओ। अरे कैरी तुम भी यही हो। A nice, lovely and beautiful good morning to you. Same to you. Thank you. क्या हुआ भाई सुबह सुबह इधर आना पड़ा? नमक चाहिए। ओहो पोपट भाई कब तक आप सोसाइटी में नमक मिर्ची ये सब मांगते फिरोगे? अरे मेरा मतलब है जल्दी से शादी कर लीजिए। अरे भाई मैं तो कब से शादी के लिए तैयार बैठा हूँ।
घोड़ा वाड़ी कैटरर सब बुक भी कर लिया है, बस लड़की के हाँ कहने की देर है। चलो करे हम लोग निकलते हैं। बाबूजी मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेन्द्र। मेरी भी दुकान आ रही। नहीं नहीं वो उसको कुछ शॉपिंग करना है तो मैं दुकान जाता जाते उसको बांद्रा लिंकिंग रोड छोड़ देता हूँ। चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बापू जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बाय बाय पीपी। पोपट भाई मैं आपके लिए नमक लेके आती हूँ। क्यों? अरे ये पोपट चाय पिएगा? हाँ हाँ हाँ। पोपट अरे क्या हुआ? बापूजी पोपट भाई कहाँ गया? पता नहीं कहाँ चला गया। रख दे अंदर, आएगा वापस लेने। गिरपा दादर थोड़ा संभाल ना, हम लोग को तो क्या आदत है। आराम से जेठालाल। जेठा भाई एक मिनट एक मिनट। जेठा भाई मैं क्या कह रहा था कि मैं आज फ्री हूँ तो आपको शायद दुकान में कुछ काम भी होगा तो मैं ले जाता हूँ ना कैरी को शॉपिंग के लिए बांद्रा लिंकिंग रोड। और लिंकिंग रोड ही क्यों, पूरे बम्बई शहर में वो जहाँ कहेगी वहाँ ले जाऊँगा शॉपिंग के लिए। अरे एक दो मिनट मैं जरा पोपट लाल से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ओके जॉइन यू इन टू मिनट्स। क्या भाई क्या? देखो पड़ोसी होने के नाते धमकी देना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ। बोलो ये क्या कर रहे हो, ये सब अच्छा लगता है क्या? तुमको क्या लगता है तुम ये जो कर रहे हो वो किसी को पता नहीं चल रहा है? क्या कर रहा हूँ मैं? बेटा तुम जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसका मैं एक बार प्रिंसिपल रह चुका हूँ। ये सब नाटक बंद करो। ये कैरी को मिलने के लिए मेरे घर में वो नमक का बहाना करके घुस जाना, उसके आगे पीछे घूमना, वो तुम्हारी बालकनी से लटकना, ये क्या है सब? ऐसा बंद करो नाटक। जेठालाल मैं कैरी से सच्चा प्यार करता हूँ, नाटक नहीं है ये सब। मैं मोहब्बत करता हूँ, कैरी के बिना मैं नहीं जी सकता। बड़ा भाई होने के नाते प्लीज मेरी कैरी से शादी करा दो ना। पकाओ तू क्या पागल हो गया, क्या बोल रहा है तू? और सबसे पहली बात तू मुझे क्या बड़ा भाई बोल रहा है? तू मुझसे उम्र में बड़ा है तो बड़ा भाई तू मेरा हुआ। और ये क्या क्या कैरी से शादी कराओ मतलब क्या? अरे तू कहाँ कैरी कहाँ? इसका मतलब है तुम नहीं चाहते हो कि मेरी शादी हो। और इस गोकुलधाम सोसाइटी में मेरा एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार हो, मेरे बच्चे तुम्हें जेठा काका खेल के बुलाए। पोपटलाल मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी शादी हो? अरे भाई मैं तो चाहता हूँ तुम्हारी शादी हो, और छोटा नहीं गोकुलधाम सोसाइटी में तुम्हारा बहुत बड़ा परिवार हो, लेकिन किसी और लड़की से शादी करो, जैसे अपने जूनागढ़ जामनगर जामखंभाड़िया चोरवाड़ इडर मेहसाणा सरखेज चार चौकड़े उस साइड की कोई लड़की से शादी करो, क्योंकि वही सुशील ठरेल लड़की तुम जैसे को संभाल पाएगी। चलो मैं तो यह कहता हूँ तुम वहाँ की किसी लड़की से शादी करने को राजी होते हो तो तुम्हारी शादी का पूरा खर्चा मैं देने को तैयार हूँ, बस। चलो डन ठीक है चलो ओके। मेरे सच्चे प्यार को तुम अपने झूठे पैसों से खरीदना चाहते हो? मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है, तुम्हारे जैसे मोहब्बत के दुश्मन ने ही प्यार को धंधा बना दिया है। जेठालाल तुम्हारे प्यार के दुश्मन वाली सारी व्यापारी कौन को आज बोल देना कि पत्रकार पोपटलाल का प्यार उतना ही सच्चा है जितना हीर ने रांझा से किया था, रोमियो ने जूलियट से किया था, सोनी ने महिवाल से किया था, बल्कि अब तो उन सबसे ज्यादा प्यार मैं कैरी से करता हूँ। एक मिनट भाई कौन है ये लोग? कुल मिलाकर तुम कितने लोग हटके हुए हो प्यार में? लगता है पूरी गैंग है तुम लोगों की। चित भाई तुम आ रहे हो ना? हाँ कैरी चलो। जेठालाल अरे छोड़ ना भाई,
बड़ा आया कैरी से शादी करने वाला। जेठालाल, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर मैंने कैरी को अपना नहीं बनाया तो मैं दुनिया हिला दूंगा, दुनिया हिला दूंगा, दुनिया हिला दूंगा। गोकुल धाम सोसाइटी की बिजली और पानी की छोटी छोटी लड़ाई लड़ने वाले पोपटलाल की लड़ाई का मैदान अचानक बदल गया है। कैरी के इश्क में घायल पोपटलाल ने अपनी लड़ाई का मैदान बदल लिया और कलम का ये सिपाही मोहब्बत का सिपाही बन गया। जैसे हर लव स्टोरी के अंदर हीरो हीरोइन के अलावा एक विलन भी होता है, हमारी इस लव स्टोरी में विलन है मेरे परम मित्र जेठालाल, और उन्होंने इस लव स्टोरी को पंक्चर करने के लिए बड़ी अजीब सी ऑफर दी है। लेकिन इतिहास गवाह है, प्यार करने वाले कभी झुकते नहीं है, और पोपटलाल भी बगावत के मूड में। अब देखिए ये बगावत क्या रंग लाती है, किस किस मोड़ से गुजरती है ये बगावत, लेकिन हर मोड़ पे आके तय है, धमाके तय है। तो देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।